संजय सिंह की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में आपने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अवैध गिरफ्तारी के संबंध में पार्टी की अयोध्या जिला इकाई एवं अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता व जिला प्रभारी संजीव निगम के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया। धरने के बाद भारत के राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के आवास पर ईडी द्वारा 12 घंटे तक छापामारी की गई। 8 दिनों तक उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन जाँच एजेंसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। इन सब के बावजूद सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सांसद संजय सिंह के खिलाफ यह पूरा मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत हैं। मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाई तो उन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और आज तक वो निलंबित ही हैं। सांसद संजय सिंह लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं और सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। सांसद संजय सिंह जो अडानी के मामले को लगातार संसद में उठाते रहे, अडानी के घोटालों को लगातार खोलते रहे और उसी के कारण जो है ईडी ने उनके घर पे छापा मारा और तथाकथित शराब घोटाले को लेकर माननीय सांसद संजय सिंह पे आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगा कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जबकि छापे में 6 से 7 घंटे उनके घर पे छापे की कार्रवाई ईडी ने की, एक पैसा नहीं, एक कागजात नहीं, एक सोना नहीं, कहीं जमीन खरीदने का कोई कागजात नहीं, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, लेकिन झूठा आरोप लगाकर ईडी ने माननीय सांसद संजय सिंह को जेल में डाल रखा है। उन्हीं के विरोध प्रदर्शन में हमने इससे पीछे भी धरना प्रदर्शन किया था और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके इस बात को उठाते रहेंगे और जो है जब तक संजय भैया रिहा नहीं हो जाते। बिल्कुल सरकार का रवैया तानाशाही है जो है, और ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। देखिए 24 का चुनाव है जो है, और इस तरह से जब विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं जो है, केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जनता देख रही है किस तरह तथाकथित शराब घोटाले में माननीय सांसद संजय सिंह जो गरीबों मजलूमों की आवाज़ संसद में उठाते थे, यहाँ तक कि अभी उन्होंने जो है पिछले पेंशन जो शिक्षकों की मांग लगातार वो अभी वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली की आवाज़ के बारे में भी माननीय सांसद संजय भैया ने जो है संसद में आवाज़ उठाई, तो लगातार गरीबों मजलूमों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। अभी हमारा जो है 27 तारीख को दिल्ली मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन है। और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।